दोस्तों भारत ने वनडे वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली। उसने अफगानिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हराकर पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगाई। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में पूरे मैच का रोमांच बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों आज वर्ल्ड कप में नवा मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 272 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने ये लक्ष्य 35 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। तो दोस्तों अब जान लेते हैं पूरे मैच का हाईलाइट। बात करें पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाजी को, तो अफगानिस्तान का पहला विकेट इब्राहिम जार्दान का गिरा। जार्दान ने 22 रन बनाए। वहीं दूसरा विकेट रहमुल्ला गुरबाज का गिरा, इन्होंने 21 रन बनाए। वहीं तीसरा विकेट रहमत शाह का गिरा, शाह ने 16 रन बनाए। इसके बाद हसमत उल्लाह शाहिदी और अजमत उल्लाह उमर जैन ने पारी को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 121 रनों की शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा। हसमत उल्लाह शाहिदी ने 88 बॉल पर 80 रन बनाए। वहीं उमर जैन ने 69 बॉल पर 62 रनों का योगदान दिया। वहीं लास्ट में राशिद खान ने 16 रन बनाए और मुजीब ने 10 रन बनाए। तो इस तरह अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 272 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया और भारत को जीत के लिए 273 रनों का टारगेट दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत की गेंदबाजी की, तो जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 7 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट लिया। जवाब में भारत बल्लेबाजी के लिए याद था। कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 112 गेंदों पर 156 रन जोड़ दिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में तूफानी और खतरनाक बल्लेबाजी की। पावर प्ले में 10 ओवर में 94 रन जोड़ दिए और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत का पहला विकेट ईशान किशन का गिरा, ईशान किशन ने 47 रन बनाए। वहीं भारत का दूसरा विकेट कप्तान रोहित शर्मा का गिरा। रोहित शर्मा ने 84 गेंदों पर शानदार 131 रनों की पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा विश्व कप में भारत की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। रोहित ने 63 गेंदों पर सेंचुरी लगाई और कपिल देव के 72 गेंदों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। रोहित ने इस पारी में 16 चौके और 5 छक्के जड़ दिए। वहीं रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्सर किंग बन गए। उन्होंने क्रिस गेल के 553 छक्कों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और अब रोहित शर्मा के 556 छक्के हो गए और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। रोहित वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरी हो गई है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 6 सेंचुरी लगाई थी। वहीं लास्ट में कोहली और अय्यर ने मैच विनिंग पारी खेली। विराट कोहली ने 56 गेंदों पर 55 रन बनाए। वहीं अय्यर ने 25 रन बनाए। राशिद खान ने इस मैच में 2 विकेट लिए। तो दोस्तों इस तरह भारत ये मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया। वहीं लगातार दूसरी जीत के बाद भारत पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गया। अब भारत के 2 मैचों में 4 अंक हो गए। वहीं अब भारत का अगला मुकाबला 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से होने वाला, ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।